मधुबाला हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री थी। उनके अभिनय में एक आदर्श भारतीय नारी को देखा जा सकता है। चेहरे द्वारा भावाभिव्यक्ति तथा नजाकत उनकी प्रमुख विशेषताएं थी। उनके शानदार अभिनय, प्रतिभा, व्यक्तित्व और सुंदरता को देखकर यही कहा जाता है कि वे भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महान अभिनेत्री है। मधुबाला का पूरा नाम मुमताज बेगम जहां देहलवी था। मधुबाला जैसी सादगी, मासूमियत, अलहेडपन के साथ ही बेपनाह खूबसूरती बहुत कम अभिनेत्रियों में देखने को मिलती है। यह उनकी खूबसूरती का जादू ही तो है जो उन्हें सिल्वर स्क्रीन की वीनस कहा जाता है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। मधुबाला अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। उनके माता पिता के कुछ 11 बच्चे थे। ऐसा कहा जाता है कि एक भविष्यवक्ता ने उनके माता पिता से यह कहा था कि मुमताज अत्यधिक ख्वाती तथा संपत्ति अर्जित करेगी परंतु उसका जीवन दुखमय होगा। उनके पिता अयातुल्लाह खान ये भविष्यवाणी सुनकर दिल्ली से मुंबई एक बेहतर जीवन की तलाश में आ गए। मुंबई में उन्होंने जीवन के लिए काफी दिक्कतों का सामना किया। हिंदी सिनेमा जगत में बेबी मुमताज के नाम से एंट्री हुई। उनकी पहली फिल्म बसंत थी। देविका रानी बसंत में उनका अभिनय से बहुत प्रभावित हुई तथा उनका नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया। उन्हें बॉलीवुड में अभिनय के साथ साथ अनेक तरह के प्रशिक्षण भी दिए गए। बेबी मुमताज बाल कलाकार के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाली मधुबाला को कामयाबी और शोहरत के साथ पहचान मिली महल से। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही और फिल्म इंडस्ट्री को एक ताजगी भरा हसीन चेहरा मधुबाला के रूप में मिला। बकौल संगीतकार सौशाद, मधुबाला के रूप और व्यवहार की मिठास कभी भुलाई नहीं जा सकती। हुस्न की मलिका मधुबाला से शादी का प्रस्ताव मिलने पर ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उसे ठुकराने का ख्याल तक अपने दिल में ला पाता। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक शख्स ऐसा भी था जिसने इस मशहूर अदाकारा से मिले विवाह प्रस्ताव को काफी सोच विचार के बाद ठुकराने का हौसला दिखाया था। वह शख्स थे संगीतकार एक मोहिंदर। इस मोहिंदर के नाम से आज की पीढ़ी शायद ही परिचित हो। उन्होंने 1940 से 1960 के दशक में कुछ चुनिंदा फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया था और करियर के शिखर पर वे अमेरिका में बस गए थे। शीरी फरहाद फिल्म में उनके स्वरबंध गीत काफी लोकप्रिय हुए थे। इनमें लता मंगेशकर का गाया और मधुबाला पर फिल्माया गुजरा हुआ जमाना आत नहीं दोबारा हाफिज खुदा तुम्हारा सदाबहार गीतों में शामिल है। साल 1950 से 1957 तक का वक्त मधुबाला के सिने करियर के लिए बुरा साबित हुआ। इस दौरान उनकी कई फिल्में असफल रही, लेकिन साल 1958 में फागुन, हावड़ा ब्रिज, काजा पानी तथा चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों की सफलता के बाद मधुबाला एक बार फिर से शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंची। फिल्म हावड़ा ब्रिज में मधुबाला ने क्लब डांसर की भूमिका अदा करके दर्शकों का मन मोह लिया। इसके साथ ही वर्ष 1958 में ही प्रदर्शित फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया।